Three rules in favor of Johnny Depp in his libel lawsuit against ex-wife Amber Heard, who had accused him of abuse. The jury has awarded Depp $15 million in damages in his libel lawsuit against Heard, the Associated Press. तो साहब, जूरी ने जो है जॉनी डेप के फेवर में, पहली बार ऐसा दिख रहा है किसी आदमी के फेवर में गया है मुकदमा, $15 million का हर्जाना देने को कहा है एम्बर हर्ड से. और क्यों कहा है, आप जरा पूरे फसाद की जड़ को देखिए. आइए, Johnny Depp and Amber Heard relationship and defamation case timeline, how it all began. तो ये सब हुआ कैसे. 2009 में एक फिल्म करी Johnny Depp ने Amber Heard के साथ में, जिसमें जर्नलिस्ट बने. उस फिल्म में एक सीन था, किसिंग सीन था, और वो किसिंग सीन हमें नहीं पता, शायद शॉवर के अंडर था, जो भी था. बहरहाल Johnny Depp को इन्होंने इतने पैशनेटली किस कर लिया कि Johnny Depp ऑलरेडी शादीशुदा थे, परिवार था. तो Johnny Depp ने अपने उस वाइफ को छोड़कर इनके साथ में शादी कर ली. और ये बात उसी समय नहीं करी, 2009 में ये हुआ. फिर 2011-12 में जो है ये दोनों अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए निकले. प्रमोशन के लिए निकले तो ऑब्वियसली साथ में निकलेंगे, साथ साथ रहे तो काफ़ी रूमर्स उड़ी, काफ़ी सारी बातें हुई कि एक साथ रुकते हैं, फलाने ढिकाने, दुनिया भर की बातें हुई. इन बातों को लेकर 2014 में जो है एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें Johnny Depp ने बड़ी कमाल की बात कही. और क्या बात कही कि भाई हमने दोनों ने शादी कर ली है, सॉरी हमारी दोनों की जो है रिलेशनशिप में, और हम शादी करने वाले. 2015 में इनकी शादी हो गई, Amber Heard और Johnny Depp की, दोनों ने शादी कर ली. पहली वाइफ का कोई जुर्म नहीं था, कोई उसका दोष नहीं था, लेकिन उसको साइडलाइन कर दिया उन्होंने. अब इनके साथ शादी हुई, शादी हुई तो बड़ी जल्दी 1.5 साल के अंदर इनकी शादी टूट भी गई. इनके जो है दोनों के बीच में झगड़े भी बड़े आम हो गए थे उससे पहले, 2016 में तमाम सारे. 2016 में बाकायदा Johnny Depp, Amber Heard एक बार मीडिया के सामने आई और उन्होंने अपना ब्रूज दिखाया कि भाई देखो इसने मोबाइल मुझे फेंक कर मारा है, मेरे ब्लू हो गया, वो ब्लू पर्पल टोन का वो उनके स्कार था, बोले इस तरह से ऐसा है वैसा है. फाइनली जो है 2016 में उन्होंने डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करी. 2017 में इनको डाइवोर्स दे दिया गया. और जब डाइवोर्स दिया गया तब उस समय जो भी उनके सेटलमेंट थे वो सेटलमेंट Johnny Depp की तरफ से कर दिए गए. तो जो सेटलमेंट उनको दिया गया, जो पैसा जो उनको मिला, वो करीब जो है $7 million उनको मिले. तो Amber Heard ने बोला कि पैसे तो लिए, सेटलमेंट में पैसे तो लिए, और फिर कहती हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं तो गरीब बच्चों में दान कर दूंगी. तो तुम गरीब बच्चों में दान कर देती तो वैसे ही छोड़ देती है ना, इसमें इतना हंगामा करने की ज़रूरत तो नहीं थी. खैर बहरहाल पैसा लिया, बोली गरीब बच्चों में दान कर देंगे. इसके बाद जो बातचीत वहाँ ख़त्म हो गई, इसके बाद इन्होंने 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू टाइप का दिया, जिसमें इनका ओपिनियन छापा गया. वॉशिंगटन पोस्ट इज़ वेरी स्मार्ट, इंटरव्यू लेके उसने ओपिनियन के तौर पर छाप दिया इनका. ओपिनियन में अखबार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है. तो केस गया, वॉशिंगटन पोस्ट ने सीधे बोल दिया सर ये ओपिनियन है, उनका पर्सनल है, हमने स्पष्ट ओपिनियन के अंतर्गत इसको छापा था, वहाँ लिखा हुआ है ओपिनियन में है ये, और ये डिजिटल फॉर्मेट में छापा था. तो धीरे से जो है वॉशिंगटन पोस्ट किनारा कर गया. अब फंस गई Amber Heard. Amber Heard ने बोला मैंने तो इसमें किसी का नाम ही नहीं लिया, डोमेस्टिक वायलेंस ये वो, उन्होंने दुनिया भर की चीज़ें लिखी थी कि मैं तो क्रूसेडर हूँ और मैं डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में खड़ी होंगी, फलान होंगी, ढिकान होंगी. ठीक है साहब, इस बात को लेकर Johnny Depp को नुकसान हुआ, और जब नुकसान हुआ उनकी जो उनको जो फिल्म उनकी चल रही थी उन फिल्म में से उनको बाहर कर दिया गया. उनको जो कंपनसेशन देना था वो दे दिया जो भी प्रोड्यूसर थे उन्होंने. लेकिन Johnny Depp का करियर लगभग बर्बादी के कगार पर आ गया. 2019 में Johnny Depp ने, 18 महीनों ने ये किया था, 2019 में Johnny Depp ने इनके ऊपर मुकदमा किया, $50 million का मुकदमा इनके ऊपर किया. और जो है इनको इनके ऊपर एक और मुकदमा किया था UK में, और वो था सन मैगजीन के खिलाफ में. सन मैगजीन ने भी इनका ये आर्टिकल छापा था, लेकिन जो वो जो मुकदमा था जो इन्होंने सन मैगजीन के खिलाफ किया था उसमें ये हार गए थे. उसमें कोर्ट ने बोले नहीं, सन मैगजीन का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सन मैगजीन ने उनके वक्तव्य से छापा है इसलिए आप ये नहीं कह सकते. तो यानी सन भी निकल गया धीरे से पतली गली से कि बोले ये इसमें ऐसा नहीं है कि इसको सब्सटेंशियल प्रूफ, सब्सटेंशियल नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, सब्सटेंशियल प्रूफ है इसमें, क्योंकि
कहने वाली वहां पर कह रही है सामने खड़ी होकर, हालांकि जॉनी डेप की तरफ से भी लोगों ने गवाही दी थी कि बोले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही है, लेकिन अम्बर हर्ड क्योंकि उसने कहा था कि नहीं भाई ये ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो यूके की कोर्ट ने, क्योंकि वहां की कोर्ट उस तरह की है, तो उसने बोला बोले नहीं आपका कोई लॉ सूट नहीं बनता, और सिर्फ इतना नहीं अपील में गए तो अपील भी उनकी खारिज कर दी। बहरहाल यूएस की कोर्ट में वापस आए, फेडरल कोर्ट में आए, और यहाँ जो है उन्होंने केस किया, और जब केस किया तो एक भी आरोप को जो है साबित नहीं कर पाई, वो साबित तो छोड़िए, दूसरी बात जज ने जो है ये माना है कि पूरी तरह से इनको डिफेम करने के लिए ये काम किया गया था, और डिफेमेशन का ही लॉ सूट इन्होंने डाला था। तो $50 मिलियन तो नहीं, $15 मिलियन ज़रूर जॉनी डेप को अवार्ड हुआ, जॉनी डेप को सही माना गया, पाक साफ माना गया, ये कहा गया कि ये गलत बात है, एम्बर हर्ड की तरफ से गलत आरोप लगाए गए हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मर्द किसी औरत के खिलाफ में कोई केस जीता हो इस प्रकार से, है ना, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तब क्या हुआ, आर्टिकल पर हीरो हीरोइन का झगड़ा, कितने पैसे मिले, अरे बाप रे बाप, यहां से चलें 500,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 10,00,000, 100,00,000, 116 करोड़ रुपए मिलेंगे इनको। मैं निपटारा मिलन से लड़ाई तक जॉनी डेप और अम्बर हर्ड की कहानी, तो साहब ये कहानी है इनकी। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस लॉसूट से अम्बर हर्ड जो है वो लगभग बैंकरप्ट हो जाएंगी, $15 मिलियन देने में लगभग बैंकरप्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर एक ये जो आरोप लगा देना ना, और ये कहना कि नई लड़कियाँ ही सही होती, उन्होंने जो किया वो सही किया, वो उसने सही बोला होगा, मीटू लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो इनका भी जो ये आरोप था ना कि मेरे साथ तो साहब ऐसा हुआ, फलान हुआ, ढिकान हुआ, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। और ये पहली बार एक ब्रेक लगा है इस मीटू टाइप के मूवमेंट पर, इस तरह की गंदी औरतों पर जो झूठे आरोप लगाती हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ। जबकि कोर्ट में जाके इन्होंने रो रो कर इन्होंने सारी बातें कही थी कि साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे साथ मारपीट करी, फलान किया, इन्होंने, इनकी बहन ने भी गवाही दी थी, पर वो गवाही नहीं मानी गई, क्योंकि उससे ज़्यादा और तमाम सारे लोग थे जो घर के नौकर थे, तमाम सारे थे, उनको जो है उनकी गवाही ली गई, और ये माना गया कि इन्होंने झूठ बोला है। खैर, तो इसके बाद में जब जीत गए तो तमाम तरह के मेम्स भी बनने लगे, और मोदी है तो मुमकिन है जैसे मेम्स बनने लगे। जॉनी डेप का केस अपने आप में बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफा कानून जो है वो महिलाओं को महिलाओं के लिए ही बना है, और महिलाओं को ही सपोर्ट करता है। खैर, जरा लॉ सूट को भी देख लें, लॉ सूट में क्या क्या हुआ उसको भी एक बार देख लें। In civil case number CL 2019-2911, Mr. Depp's claim against Ms. Heard. 1. As to the statement appearing in the online op-ed entitled Amber Heard, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change. In the Washington Post online edition. Quote, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change, end quote. Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Has Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that, question, the statement was made or published by Ms. Heard? Answer, yes. Question, the statement was about Mr. Depp? Answer, yes. Question, the statement was false? Answer, yes. Question, the statement has a defamatory implication about Mr. Depp? Answer, yes. Question, the defamatory implication was designed and intended by Ms. Heard? Answer, yes. तो साहब कोर्ट में जब इनसे यस नो में पूछा गया था, तब इनसे पूछा कि ये आपने जॉनी डेप के लिए ही कहा है? इनका हाँ। आप ये मानती कि डिफेमेटरी है? बोली हाँ। तो ये तमाम सारी बातें, उसके बाद ये नतीजा आपके सामने। As against John C. Depp II, we the jury award compensatory damages in the amount of $2 million. As against John C. Depp II, we the jury award punitive damages in the amount of $0. As against John C. Depp II, we the jury award compensatory damages in the amount of $2 million. As against John C. Depp II,
we, the jury, award punitive damages in the amount of $0. As against John C. Depp. तो साहब कुल मिलाकर ये सारी बातें और जॉनी डेप को जो है ये अवार्ड मिल गया। अब ऐसा नहीं कि आदमी हमेशा सही होता है, ऐसा नहीं कि औरतें हमेशा सही होती हैं। गुजरात कांग्रेस की लीडर है, जरा देखिए। लड़की के साथ पकड़े गए साहब, ओ हो हो, फिर हुई धुलाई। गजब हो गया। खैर ऐसे काम सिर्फ आदमी नहीं करते, औरतें भी खूब करती हैं। तो ये जो एक जो एक एक तरफा जो एक नरेटिव चला जाता ना कि नहीं नहीं ये औरत है इसलिए ऐसा या ये महिला है इसलिए, ये नरेटिव नहीं होने चाहिए, है ना। इसलिए कानून को जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज भारत में तो ये होना संभव ही नहीं। भारत में अगर कोई इस तरह का केस करे तो शायद वो कभी जीत ही नहीं पाएगा। वो नहीं नहीं अबला नारी करके वो कर देंगे, और नारी के नाम पर जो दिख रहे हो ना आप भी अब चुम्मा चाटी जो चल रही थी, हाँ इस तरह की जो औरतें होती बड़ा वो सबका जीवन बर्बाद करने वाली होती। तो इसलिए प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए, और जिसके दिमाग ज़्यादा हों भाई उन लोगों को, लड़का हो चाहे लड़की, उनको शादी नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसे से करनी चाहिए जो आपको निभा सके। रोज़ आप लोग जो जाके खड़े हो जाते हो, झगड़ा करते हो, थाने जाते हो, इस सब की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ना मित्रों। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@upi। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla GWL पर कॉन्ट्रीब्यूट कर दे।